बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक जबरदस्त स्किन वाइटनिंग रेमेडी के बारे में बताऊंगी। दरअसल ये एक नेचुरल ब्लीच क्रीम है। ये सनटैन छाइयों दाग धब्बों को रिमूव करेगी, आपके चेहरे को बेहद गोरा खूबसूरत और साफ शफाफ बना देगी। आपके चेहरे पर जितने भी एक्ने या पिंपल स्पॉट्स मौजूद होंगे वो भी इंशाल्लाह ताला रिमूव हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस बेस्ट फेस वाइटनिंग रेमेडी के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोज सबसे पहले मिल सकें। इस रेमेडी को बनाने का तरीका यह है कि आप एक साफ प्याली लें और इसमें एक चम्मच टमाटर के छोटे टुकड़े डालें। लाल टमाटर लेकर धोकर इसके छोटे टुकड़े काट लें, फिर डालें, और एक चम्मच ही आलू के टुकड़े डालें। आलू धोकर छीलकर इसके छोटे क्यूब्स बना लें, फिर डालें, और एक चम्मच ही आप इसमें संतरे के टुकड़े डालें छिलके समेत। इन तीनों अज्जा में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, विटामिन सी से ये भरपूर हैं। ये चेहरे के कालेपन को खत्म करके चेहरे पर निखार लाएंगे। अब आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। ये देखें, ब्लेंड होने के बाद ये ऐसा फाइन पेस्ट बन गया है। ये मैंने प्याली में निकाल कर रखा है। अब आपने ये करना है कि इसमें आप डालें एक बड़ा चम्मच लाल मसूर की दाल का पाउडर। लाल मसूर की दाल लेकर ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। ये टोटल स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट है। ये छाइयां भी खत्म करती है, बहुत बेहतरीन दाल है। अब आप इसमें एक चम्मच ही आटा डालें, घर में जो आटा मौजूद होता है वही ले लें। इसमें मौजूद विटामिन्स स्किन की बेहतरीन नशोनुमा करते हैं। फिर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करें और ये नेचुरल स्किन वाइटनिंग ब्लीच अब तैयार है। इसको यूज करने का तरीका यह है कि आप इसको हल्का सा मसाज करते हुए अपने चेहरे पर लगाएं, इस तरह से लगाएं जिस तरह मैं मसाज कर रही हूं। अगर आपको ये पेस्ट बहुत गाढ़ा लगे तो इसमें जरा सा पानी शामिल कर दीजिएगा और इसको ऐसा बनाइएगा कि चेहरे पर लग जाए। फिर आप संतरे का छिलका ले लें और उससे अपने चेहरे पर एक मिनट तक दोबारा मसाज करें। पहले आपने मिक्सचर से मसाज किया था, अब संतरे के छिलके से मसाज करें। फिर आप अपने चेहरे को ऐसे ही छोड़ दें 15 से 20 मिनट बाद सादा पानी से वॉश कर लें। ये देखें कितना जबरदस्त रिजल्ट आया है। स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है, रंग कितना गोरा हो गया है। इस रेमेडी को आपने 10 दिन में एक बार यूज करना है। सिर्फ एक बार यूज करने से ही आपकी आंखों के सामने आपका रूप रंग आ जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।